शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, जो कोई भी योगिनी एकादशी का व्रत करता है और योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास के साथ योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुने। बंधुओं, साथ ही मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत का पारण समय भी बताऊंगी। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को आती है, जो कि 2022 में 24 जून शुक्रवार की है। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने वाले के सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, जो भी कोई एकादशी का व्रत करता है। बंधुओं, नदियों में जो विशेष स्थान और महत्व गंगा जी को प्राप्त है, व्रतों में ठीक वही स्थिति एकादशी व्रतों की है। इस व्रत के करने वाले से भगवान विष्णु अपनी भार्य महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न तो रहते ही हैं, सहज ही उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मान लेते हैं। बंधुओं, जिस पर जगत नियंता भगवान और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करता है, उसे दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली भांति साफ कर लेना चाहिए, जिससे कोई अनकन दांतों में फंसा हुआ ना रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के पश्चात विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। पूरा दिन भगवान के पूजन, कथा के श्रवण, भजन आदि में बिताएं और एकादशी की पूरी रात्रि जागरण करें। भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन आदि क्रियाओं में पूरी रात्रि बिताएं और एक पल भी ना सोएं। बंधुओं, द्वादशी को प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही व्रत धारक को व्रत खोलना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको आधा फल ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं, जागरण नहीं करते, उनको मात्र एक चौथाई फल ही प्राप्त होता है। जबकि एकादशी को अनाज खाना भीषण पाप माना गया है। बंधुओं, एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और मन में संकल्प लें कि हे भगवान विष्णु, मैं आपके निमित्त योगिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और फिर उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को फूल, तुलसी दल,
अवश्य अर्पित करें और भगवान को फलों का ही भोग लगाएं। उसके बाद अपना पूरा दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में बिताएं, भगवान विष्णु की कथा सुनें, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनें, एकादशी व्रत की कथा सुनें, श्रीमद् भागवत गीता सुनें, भगवान विष्णु के नाम उच्चारण में अपना समय व्यतीत करें और रात्रि जागरण अवश्य करें। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना नहीं चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, रात्रि में शयन भी नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। बंधुओं, ऐसा करने से एकादशी व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है। बंधुओं, अब मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ योगिनी एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, सभी मिलकर बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें, दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है, किसी के दिए हुए श्राप तक का निवारण हो जाता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से। इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म विधि विधान को नाम सहित बताइए। इससे आने वाली पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारी प्राप्त कर सके। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है इस एकादशी का व्रत। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति मिल जाती है। स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता है। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिवजी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान प्रतिव्रता थी हेम माली की पत्नी विशालाक्षी। हेम माली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमन करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचे, तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेम माली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमन करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेम माली को बुला कर लाने की आज्ञा दी। हेम माली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ,
तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी होगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उस क्षण कोड़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हे माली ने घोर कष्ट भोगे, भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हे माली वहां जाकर उसके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोड़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हे माली बोला, हे मुनि, मैं कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा तो उन्होंने मुझको शाप दिया कि तू स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी हो जा। इससे मैं कोड़ी हो गया और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हे मालिक, यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हे माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों को सुनकर योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।